वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन आर्मी सिविलियन एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस 22 जनवरी 2023 को हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया कोलकाता बालीगंज सेंटर पे कंडक्ट हुआ है, तो एग्जामिनेशंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जो कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के बाद मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। बात करते हैं कि एमटीएस के लिए टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था एग्जामिनेशंस पे, तो देखिए 2893 कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब आप बोल रहे हैं कि ये कहां से आपने डाटा लिया, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एग्जामिनेशन सेंटर के बाद यहाँ पर लिस्ट लगा था कि एमटीएस के लिए कौन से कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं, कौन से लोकेशंस पर बैठेंगे। देखिए इस तरह का जो भी कैंडिडेट गए थे उनको ये जानकारी होगा कि ये वहाँ का है। देखिए अगर बात करें कि जनरल में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो 798 कैंडिडेट को बुलाया गया था। सबसे ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट को बुलाया गया था। अलग अलग लोकेशन दो दिया गया था एग्जामिनेशन का, जैसे 1034 और 615। उसके बाद देखिए एसटी कैंडिडेट 144 को बुलाया गया था और ईडब्ल्यूएस के 190 और 45 अलग अलग लोकेशन पर थे, और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन 67 थे। इसको टोटल ऐड कीजिएगा तो आपको 2893 आ जाएगा। लेकिन इतने कैंडिडेट को तो बुलाया गया था एग्जामिनेशन पर, लेकिन प्रेजेंट हुए थे लगभग यही 50% के करीब में, 800-900 कैंडिडेट लगभग पहुंचे थे। तो बहुत सारे यूट्यूब पर जानकारी मिल रहा था अलग अलग यूट्यूबरों के द्वारा कि लगभग 6000 कैंडिडेट आए थे एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही कम कैंडिडेट पहुँचे थे। अब बात करते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, निगेटिव मार्किंग भी था 0.25 का। बात करते हैं जीके के कितने क्वेश्चन थे, तो जीके के 50 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। लेवल की बात करते हैं तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के था, क्योंकि इसमें साइनो एंटो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ दिया गया था। जीके का लेवल बहुत अच्छा था, इसमें से कोई भी कैंडिडेट जो पढ़ा है लगभग आराम से 35+ स्कोर कर सकता है। मैथ 25 में आराम से 22 के करीब कर सकता है इजिली, रीजनिंग में भी यहीं 20 के करीब में कर सकता है इजिली, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। आप देखिए जीके के मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ और ये सभी रियल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं आप लोग यस का मैसेज जरूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से जो भी एनालिसिस कराया जाता है वो 100% जेन्युइन होता है। तो देखिए जीके सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा वंदे मातरम। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी ने करो या मारो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होता है, तो उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीवी सिंधु ने 2022 के ओलंपिक्स में किसे हराया था, तो वांग झू ई को हराई थी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवम्बर को मनाया जाता है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। मिल्खा सिंह का नाम फ्लाइंग सिख किसने कहा था, तो अयूब खान ने कहा था फ्लाइंग सिख। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। करेंट्स के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, पहले एमटीएस के एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चन नहीं थे, पूछे जाते थे करेंट्स के, लेकिन इस एग्जामिनेशन में करेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट जिंक वगैरह शायद मारे हैं, गलत हो जाएगा वहाँ पे। काजू कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, लाल लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समतल दर्पण की फोकस दूरी किस पर होती है, तो अनंत पर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत यानी लीवर है। भारत का पहला स्वनिर्मित फाइटर जेट कौन सा है, तो ये है LCA तेजस। कौन सा है, तेजस है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1969 में हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अब एक ये रीजनिंग में पूछा गया था त्रिभुजों की संख्या बताना था, तो 1, 2, 3 इस तरह था, तो इसको जोड़ दीजिएगा 1, 2, 3 को, तो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें रीजनिंग बहुत ईजी क्वेश्चन था, वहीं एक थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया था, वो थोड़ा सा पजल टाइप का दे दिया गया था क्वेश्चन, नहीं तो इजी क्वेश्चन था। तो ये रहा एग्जाम एनालिसिस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।